लोगों को लगी है डेथ क्लीनिंग की जल्दबाजी। इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। डेथ क्लीनिंग की लोगों को बहुत जल्दबाजी लगी है। अभी तो ये एक मूवमेंट हो चुकी है और जो स्वीडन देश है उसमें लोगों ने, मतलब स्वीडिश लोगों ने इसके बारे में बहुत सीरियसली लिया हुआ है। डेथ क्लीनिंग क्या है? डेथ क्लीनिंग मतलब ऐसी संकल्पना ये है कि समझो आज आपका आखिरी दिन है, आज आप मरने वाले हैं, तो फिर आप अपने आप को कैसा हल्का करेंगे, कौन सी चीज़ें आप नष्ट करेंगे, कौन सी चीज़ें आप किसको दे देंगे। समझो मरना ही है, मालूम है आपको, आपको तो लेके जाना कुछ भी नहीं है। फिर अपने जीते जी चीज़ें लोगों को बांट दो, लोगों को दान करो, जला डालो उसको, मतलब अपने पास मत रखो। देखो जो चीज़ आपने पिछले 3 साल से 5 साल से उसका इस्तेमाल भी नहीं किया है वो आप रख के करेंगे क्या? बहुत बार तो ऐसा होता है कि वो चीज़ हम भूल भी गए कि वो अपने पास में है, वो भी रख के करेंगे क्या है? जिसको अपन भूल भी गए। तो लोगों ने ऐसा अनुभव किया हुआ है कि ये जो डेथ क्लीनिंग करते हैं कि भाई अपने को आज का आखिरी दिन है और अपने को सब क्लीनअप करने का है, तो उनको बहुत हल्का लगा, उनका मन बहुत शांत हो गया, रिलैक्स हो गया, उनको जरा ऐसा लगा कि अपन अच्छी सांस ले सकते हैं, फ्रीडम है, और उनको बहुत ही अच्छा उनको एक्सपीरियंस इसमें आ गया। ये मिनिमलिज्म भी इसको बोलते हैं। मिनिमलिज्म मतलब जितनी चीज़ आवश्यक है, जितनी चीज़ जरूरत की उतनी चीज़ रखना, बाकी रवाना कर देना। द जेंटल आर्ट ऑफ स्वीडिश डेथ क्लीनिंग करके किताब लेखिका मार्गारेट मैग्नूसन ने लिखी हुई है और यह किताब में उन्होंने इसका पूरा वर्णन किया हुआ है और लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उसको लिया हुआ है। इसको स्वीडिश भाषा में डो स्टैडनिंग भी बोलते हैं। डो स्टैडनिंग, डो मतलब डेथ, स्टैडनिंग मतलब क्लीनिंग। डो स्टैडनिंग मतलब डेथ के पहले का क्लीनिंग। तो ये क्लीनिंग करो, अपना घर क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा और देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। देखो हमारा आनंद जो है वो भौतिक चीज़ों के ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंट है। मैं गाड़ी लूँगा, बंगला लूँगा, बहुत पैसा कमाऊँगा, लोगों ने मुझे अच्छा बोलना चाहिए, भौतिक चीज़ है, रेफ्रिजरेटर लेंगे, टीवी लेंगे, बुलेट लेंगे, जो चीज़ चाहे मर्जी लेंगे, उससे लोगों को आनंद मिलता है। मगर आनंद कितने दिन तक टिकता है? वो क्षणिक, बाद में और कुछ चीज़ चाहिए, और कुछ आनंद चाहिए। तो मानस शास्त्र के अनुसार भौतिक वस्तुएं खरीद के जो आनंद मिलता है वो क्षणिक है। हम बात करें आनंद की कि जो कंटिन्यू चल रहा है, नॉन स्टॉप है, आप वो आनंद के स्टेज में हो और वो आनंद के स्टेज में जाना, आनंद का अनुभव करना, ये जो है डेथ क्लीनिंग, इसके माध्यम से हो सकता है। तो इसका जरूर अनुभव कीजिएगा और जरूर शेयर करो कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपने डेथ क्लीनिंग किया तो क्या लगा, जरूर शेयर करना है। और देखिए कि ये जो मूवमेंट है ये कितनी ज़्यादा इसका प्रसार होता है, ये लोगों में आती है, ताकि हम बहुत सारी चीज़ें, देखो क्या होता है कि बहुत बार मुझे काम भी नहीं है मगर वो चीज़ और किसी काम में आती है, मैंने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया है और किसी का इस्तेमाल हो जाता है। हमारे यहाँ तो हमारे सिटी में कलेक्टर ऑफिस जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस, उसके पास में एक दीवाल है, मतलब कलेक्टर ऑफिस की जो दीवाल है वो दीवाल के ऊपर एक आदमी ने ऐसे ही सब टांग के रखा हुआ था, उसने अपना दुकान डाला था कि भाई आपको जो चीज़ नहीं होना है घर में और आपको बेचना भी नहीं है तो वहाँ जाके आप डोनेट कर दो, वो वहाँ रख देगा, वो दीवार को लटका देगा और जिसको चाहिए वो लोग जाके देखेंगे अपने को कुछ चाहिए क्या, तो जो लोगों को चाहिए वो चीज़ वो वहाँ से उठा लेंगे, वो भी फ्री उठा लेंगे, पर देने वाला भी फ्री है, लेने वाला भी फ्री में ले रहा है। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली जिसको चीज़ चाहिए वो उसको चीज़ मिल जाएगी, अपना मकान क्लियर हो जाएगा, अपना दिमाग का जो क्लटर है वो भी क्लियर हो जाएगा, शांति मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि जो आप ढूंढ रहे थे बहुत सालों से वो चीज़ भी कभी एकदम अचानक मिल जाती है। मेरा अनुभव ऐसी है कि मैं बहुत दिन से ऐसी एक चीज़ ढूंढ रहा था कि वो मुझे नहीं मिल रही थी, जब मैंने ये डेथ क्लीनिंग किया खुद तब मुझे वो चीज़ वहाँ मिल गई जो एकदम ऐसी जगह थी कि यहाँ मैंने कभी देखना असंभव था। तो इसका जरूर प्रसार कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी
से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।